सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है। सांपों की जहर की कथित खरीद और फरोख्त मामले में उसे अरेस्ट किया गया है। बता दें कि पूछताछ में एल्विश यादव ने अपना आरोप भी कबूल कर लिया है और बताया है कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टी में वो मिल चुके हैं और उस पर यह भी आरोप था कि वो पार्टियों में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई भी करते हैं। बता दें कि मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने कबूल कर लिया है कि नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ उनका संपर्क था और उनसे जान पहचान भी एल्विश यादव की काफी लंबे समय से बनी हुई थी। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को 17 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया है। कुछ महीनों पहले उन्हें एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ कथित रूप से दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस और पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन हरकत में आई। वहीं नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत धारा 29 के तहत केस दर्ज भी किया है। इस कानून के तहत जब कार्रवाई की जाती है तब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश शामिल हो या मामला ड्रग्स की खरीद या फरोख्त से जुड़ा हुआ हो, मसलन इस कानून के तहत सजा पाने वाले दोषी को जमानत मिलना आसान नहीं होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव को फिलहाल 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनसे पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सांपों का जहर मुहैया कराया गया था। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। तब यूट्यूबर एल्विश यादव और उनके साथ मिलने वाले 6 लोगों पर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IPC की धारा 129A के तहत केस भी दर्ज किया गया था। बता दें कि एल्विश यादव से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है लेकिन पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार नहीं किया था। वहीं पुलिस ने 3 नवंबर को आरोपियों के कब्जे से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को भी रेस्क्यू किया था। जांच में यह सामने आया था कि सभी 9 सांपों में वेनम ग्लैंड्स गायब थी जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उनके पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था। बता दें कि एल्विश यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए तब उन्हें निराधार और फर्जी बताकर 1% भी सच नहीं है ये करार दिया था। वहीं पीपल फॉर एनिमल्स यानी कि PFA ने सांप के जहर वाली रेप पार्टी का खुलासा किया था। इसी संस्था के अधिकारी ने एल्विश के खिलाफ पिछले हफ्ते एक और शिकायत भी दर्ज कराई थी। आरोप था कि यूट्यूबर उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन पर एक म्यूजिक वीडियो का भी मामला आया था सामने जिसमें वो सांपों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे जिसमें दुर्लभ सांप शामिल थे। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप अपनी सोच भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।